पार्टनरशिप की डेफिनेशन को देख चुके हैं, उसके मीनिंग को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देख चुके हैं, पार्टनरशिप डीड को भी हमने कल समझा। वेल आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच देने जा रहे हैं हमारे चैप्टर को, नॉट कम्प्लीटली, थोड़ा सा प्रैक्टिकली पोर्शन। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभों का विभाजन। तो देखिए अगर आपको याद है तो 11th में आपने जो अकाउंटिंग की थी उसमें हम लोग क्या प्रिपेयर करते थे, उसमें हम लोग बनाते थे सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओके, फिर हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, यस, ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हम बनाते थे डायरेक्ट बैलेंस शीट। देखिए वहां पे तो देखिए सिंगल प्रोप्राइटरशिप, 11th में हमने जो अकाउंटिंग की थी सोल प्रोप्राइटरशिप की थी, वहां पे हम जो अकाउंटिंग करते थे वो सिर्फ 1% की होती थी। तो वहां पे जितना भी प्रॉफिट होता वो सबका सब किसका होता, वो सबका सब सब उस एक बिजनेसमैन का होता। बट नाउ अब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में हमें पता है ओनर एक नहीं होता है, ओनर बहुत हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो अकाउंट बनाएंगे तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये क्रिएट है कि जो प्रॉफिट है वो सिर्फ एक का नहीं, वो सबका है। तो उस प्रॉफिट को हमें बांटने के लिए एक अलग अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वेल आपका जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, इसको बेसिकली आज हमें समझना है। पार्टनरशिप अकाउंट में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और पार्टनरशिप अकाउंट की बात, पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में भी करते थे, फिर हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल, और पीएनएल के बाद जो टर्न आएगा वो आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बाद हमारा नंबर आएगा जैसे ओस एज ऑलवेज बैलेंस शीट का। वेल तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम बेसिकली इसके थोड़े नेचर को, इसके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये किसका एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन का मतलब होता है सब पार्ट, यानी उपभाग। किसका उपभाग है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक उपभाग है। देखिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम जो प्रॉफिट लिखते हैं वो प्रॉफिट हमें मिलता कहाँ से? वो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसी प्रॉफिट को हम यूज लेते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। हमारे पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? नॉमिनल अकाउंट का सीधा सा मतलब है कि डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? खर्चे, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? इनकम्स। बस बेसिकली यही हमारा नॉमिनल अकाउंट है कि डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड? पार्टनर से रिलेटेड, और क्रेडिट साइड में हमारी इनकम रिकॉर्ड होती है। फिर देखिए मैंने लिखा प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने कहा कि ये जो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कब प्रिपेयर किया जाता है? तो ये पार्टनरशिप फर्म में प्रिपेयर किया जाता है। कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है? पार्टनरशिप फर्म में। इसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं प्रिपेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा ओनर सिर्फ एक ही होता है। तो जितना भी हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है वो सारा का सारा प्रॉफिट उसी सोल प्रोप्राइटर का होता है, बट यहाँ पे हमारे ओनर्स टू और मोर देन टू। सो हम क्या बनाएंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनरशिप फर्म द्वारा ये अकाउंट बनाया जाता है, ये हमें बेसिकली बताया। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स, यानी पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हम इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं बेसिकली? तो देखो मैंने लिखा लाइक एलोकेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज। तो देखिए पार्टनर्स जब फर्म में पूंजी लगाते हैं और वो पूंजी पर अगर फर्म पार्टनर्स को ब्याज देती है तो ये जो ब्याज है, ये जो इंटरेस्ट और कैपिटल है, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया? ये खर्चा हो गया। इसका मतलब मैंने अभी कहा खर्चों को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में करेंगे। कैसे करेंगे हम अभी आगे देखेंगे। वेल आईओडी इट मीन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखिए ड्रॉइंग यानी आहरण। पार्टनर ने अगर फर्म से पैसे निकाले अपने घर के पर्पज से और पर्सनल यूज के लिए निकाले, हम बेसिकली उसको ड्रॉइंग कहते हैं, और उस ड्रॉइंग पर अगर पार्टनर से इंटरेस्ट लिया जाता है तो ये इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गई? ये इनकम हो गई। तो बेसिकली हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी, कमीशन, बोनस, ऐसे और भी आइटम्स हो सकती है। तो देखिए अगर किसी
पार्टनर को सैलरी दी जाती है, अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, तो ये सारी आइटम जो है ये भी हमारी पार्टनरशिप कंपनी क्या खर्चा है और हम इसको भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डायरेक्ट में रिपोर्ट करेंगे। तो ये तो साहब बेसिकली कॉन्सेप्ट कि हम जब पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करेंगे तब हमें एक एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक बार आपके साथ रिवाइज कर लीजिए, हमने क्या देखा, हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम मैन्युफैक्चरिंग बनाते थे, यहाँ पे भी बनाएंगे, पार्टनरशिप में भी बनाएंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में उसके बाद हम ट्रेडिंग बनाते थे, डेफिनेटली यहाँ पे भी होता है, उसके बाद हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे भी होगा यस। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में पीएनएल के बाद हम सीधा क्या किसके आ जाते थे, डायरेक्ट बैलेंस शीट पे आ जाते थे। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होना है, पार्टनरशिप फॉर्म में हम पीएनएल के बाद जो अकाउंट क्रिएट करेंगे उसका नाम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बाद हमारी बेसिकली बैलेंस शीट रेडी प्रिपेयर की जाएगी। तो देखिए ये था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और मैंने कहा ये क्या है, ये एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट यानी पीएनएल अकाउंट का ही सब पार्ट है। पहले हम पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उस प्रॉफिट को हम यूज लेंगे हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि नाम मात्र का खाता है जिसमें डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड सारी इनकम आती है। प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म, ये सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में इस नाम का कोई भी खाता नहीं होता है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स, इसमें जो एक्सपेंसेस है, पूंजी पर ब्याज है, आरएम पर ब्याज है, सैलरी बोनस कमीशन, ये सारे जो आइटम्स है ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे पार्टनर से रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड की जाती है। ओके वेल, अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है उसको समझते हैं, क्योंकि देखो आपके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उसमें बेसिकली हमसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन पूछा जाएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स अकाउंट की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए ये बेसिकली मैं फॉर्मेट मैंने यहाँ पे शो किया है, क्वेश्चन होंगे नहीं एरिया, बेसिकली पहले फॉर्मेट को देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, देखिए अप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग मैंने अभी अभी आपको बताया। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, अगेन अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, किसके लिए, हमारा मेन पर्पज के इस अकाउंट को क्रिएट करने का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड जब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है बेसिकली 31 मार्च को जब भी, तो ये हमने हेडिंग हमारी लिखी। उसके बाद दो साइड है हर अकाउंट की, बेसिकली दो साइड्स होते हैं हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है हमें अच्छे से पता है। डेबिट साइड जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्सपेंसेस को लिखा जाएगा। एक है हमारी क्रेडिट साइड जहाँ हम क्या लिखेंगे, जहाँ हम इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये फॉर्मेट है, इसकी एक एक आइटम को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट में जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसी प्रॉफिट को हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कंटिन्यू लेके आते हैं। तो देखिए पीएनएल के डेबिट में हमारा प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, उसी नेट प्रॉफिट को जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लेके आते हैं तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया कि क्या चीज है, ये है नेट प्रॉफिट, तो बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ये हम लिख लिया। ठीक है, सपोज दैट जरूरी है बिजनेस में प्रॉफिट हो, बाई चांस लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, हम इसके रिवर्स में लिख लेंगे, यानी हम लिख लेंगे डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हमने मेंशन किया नेट लॉस, और ये हमारी अमाउंट जो भी एक्स वाई जेड आ गई है। देखिए ये तो था प्रॉफिट और लॉस का, अब हम बात करते हैं और जो आइटम्स है जो हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आती है वन बाई वन। देखिए डेबिट में मैंने लिखा टू डिफर और ब्रैकेट में मैंने लिखा ट्रांसफर, कहने का मतलब है कि अगर हम हमारे प्रॉफिट से कोई रिजर्व बनाना चाहते हैं, कोई रिजर्व बना के रखना चाहते हैं फ्यूचर यूज के लिए, तो भी हम उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। मैंने कहा डेबिट में एक्सपेंसिव लिखते हैं, लेकिन रिजर्व हमारा कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन ये लाभों का अप्रोप्रिएशन है, लाभों का एक बचाया हुआ हिस्सा जिसको हम फ्यूचर में क्या करेंगे, बिजनेस के लिए यूज करेंगे, तो इसको डेबिट में हम लिखेंगे टू रिजर्व, ये हम रिजर्व अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। उसके बाद देखिए पूंजी पर ब्याज की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर जो भी पूंजी जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाता है उस पर अगर पार्टनरशिप फर्म उसे इंटरेस्ट देती है, तो वो इंटरेस्ट हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए देखिए क्या रहेगा, वो हमारी पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंसिव रहेगा, खर्चा रहेगा, तो खर्चों को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं, डेबिट में। तो डेबिट में मैंने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए डिपेंड ऑन अवर क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरेस्ट किसको देना है, कितना देना है, ये सब कुछ हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें हमारे पार्टनरशिप डेट में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस किस
मैंने यहाँ दो पार्टनर्स को अज्यूम किया, तो देखो ए का और बी का, और इन दोनों का जो टोटल है वो हम टोटल करके हमारे इंटरेस्ट और कैपिटल इस कॉलम में लिख देंगे। फिर हम बात करते हैं पार्टनर की सैलरी। तो देखिए पार्टनर की सैलरी होगी, चाहे पार्टनर को बोनस देना है, चाहे पार्टनर को कमीशन देना है, ये सारे ही क्या है, ये सारे ही पार्टनर को तो मिलने वाले हैं। और हमारी पार्टनरशिप का क्या है, खर्चा है। खर्चों को हम एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में। तो मैंने लिखा टू पार्टनर सैलरी, ए को देनी है डिपेंड ऑन अवर क्वेश्चन, ए को देना है तो ए को लिखेंगे, बी को देना है बी को लिखेंगे। तो इस तरीके से हम पार्टनर सैलरी को भी कहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट में लिख देंगे। फिर देखिए बात करते हैं क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में मैं कहूँ, मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग जैसे कि हमको पता है पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा लिया है, और उस पैसे को, उस पैसे पर अगर हमारी फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेती है, तो ये इंटरेस्ट उस पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, इनकम है। और इनकम को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इस इनकम को हम लिखेंगे क्रेडिट में। तो मैंने क्रेडिट में लिखा वाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए का बी का जैसा हमारा क्वेश्चन कहे हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट पर रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए ये तो की मेन मेन आइटम्स जो हमारे पेनल अप्रोप्रिएशन में आती है। अब बात आती है पेनल अप्रोप्रिएशन को बैलेंस करने की। तो देखिए बैलेंस करने में हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा जो अकाउंट को बैलेंस करने का तरीका है, डेबिट की हम टोटल करेंगे, क्रेडिट की टोटल करेंगे, दोनों का जहाँ पे डिफरेंस है उसको वहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए गाइस बैलेंस करने के लिए हम बात करेंगे कि अगर हमारे डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, इटमीन हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो हमें लॉस होगा डेफिनेटली। और अगर हमारे क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि हमारा ये प्रॉफिट है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए हम क्रेडिट की टोटल करेंगे, डेबिट का डिफरेंस, अगर डेबिट का बैलेंस कम है तो यहाँ पे हमने लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट। अब आप देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट में भी पार्टनर्स को दिया जा सकता है और करंट अकाउंट में भी दिया जा सकता है। करंट और कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट है ये आगे डिस्कस करेंगे। वेल अभी आपको ये देखना है कि जो भी प्रॉफिट है उसको हमें पार्टनर्स को देना है, तो चाहे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर डिपेंड ऑन अवर क्वेश्चन या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किया ये क्या चीज है, ये प्रॉफिट है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये आया कहाँ से, तो डेफिनेटली ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। इन द सेम वे अगर हमारा डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है, तो हम यहाँ पे भी वही सेम चीज ट्रांसफर करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक या फिर करंट अकाउंट। ब्रैकेट में देखिए मैंने मेंशन किया दिस इज लॉस, और ये क्या है, ये भी हमारा बैलेंसिंग फिगर है, जितने पार्टनर है उनको मिलेगा। अब दोनों नहीं मिल सकते हैं, या तो हमारा डिफरेंस यहाँ होगा तो ये लॉस है, या हमारा डिफरेंस यहाँ होगा तो ये हमारा प्रॉफिट है। दोनों में से ये चूंकि हमारा फॉर्मेट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों कंडीशन बताई है। लेकिन इन प्रैक्टिकली या तो ये चीज आएगी या फिर ये आएगी, क्योंकि बिजनेस में या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। सेम वे में यहाँ पे या ये चीज आएगी या फिर ये आएगी, या प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को या लॉस मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट हमको पार्टनर किस रेशियो में। तो देखिए भाई सीधी सी बात है, कल ही हमने समझा था पार्टनरशिप डीड में जो हमारा अग्रीड रेशियो है, जो इनका निर्धारित अनुपात है, उस रेशियो में हमें हमारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और याद करिए इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर बंदों ने, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में डीड बनाई नहीं गई तो देखिए कुछ भी हो जाए, तो हमेशा हमें हमारे प्रॉफिट को कैसे देना, पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी बराबर 1:1 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेसिकली कॉन्सेप्ट रहेगा। इस तरीके से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, और इसका बेसिक मेन पर्पज क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। वेल गाइस इसमें देखिए दो तीन चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट मैं बता रही हूँ, एक पॉइंट है आपका जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्स्ट मैं कहूंगी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन आपको याद है, कल हमने कहा था कि अगर पार्टनर कोई फर्म को लोन देता है, तो उस लोन पर जो ब्याज है, वो ब्याज हमारे फॉर्म के लिए क्या है, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का खर्चा है बेसिकली। लेकिन आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि मैम हमने उसको एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं लिखा। तो देखिए भाई पार्टनर ने लोन दिया चाहे किसी ने भी दिया, लोन जरूरी नहीं है पार्टनर से लिए, लोन बिल्कुल पार्टनर दे सकता है, लेकिन लोन अदर पर्सन भी तो दे सकता है, थर्ड पार्टी भी तो दे सकती है ना। तो देखिए चाहे पार्टनर से लोन लिया चाहे अदर पार्टी से लिया, फर्म के लिए वो एक ही बात है, फर्म के लिए वो एक्सपेंसिव है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक्सपेंसिव पार्टनर से रिलेटेड है। और हमने क्या कहा, हमने कहा अप्रोप्रिएशन में कौन से एक्सपेंसिव आते हैं, जो पार्टनर से रिलेटेड हो। तो पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो बिल्कुल हमारे ये खर्चा हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, लेकिन ये जो चीज है ना कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, इसीलिए ये हमारा फर्म का खर्चा है। बट हम इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, खर्चों को कहाँ लिखते हैं, कोई भी फर्म हमारे खर्चों को पीएनएल अकाउंट में लिखती है, कहाँ पे लिखती है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखती है तो पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा आएगा और वो खर्चा माइनस होने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो उसी को हम हमारे एप्रोप्रिएशन में यूज करेंगे। सेकेंड थिंग जो आपको कंफ्यूज करेगी जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखिए वो आएगी रेंट, रेंट पेड, रेंट पेड टू द पार्टनर्स। कि पार्टनर्स को अगर आपने क्या पे किया है, रेंट पे किया, सपोज दैट पार्टनरशिप हमको हमने कोई प्लेस रेंट पे लिया है और वो जो प्लेस है बेसिकली वो किसी पार्टनर का है तो फर्म पार्टनर्स को रेंट पे करेगी तो ये फर्म का खर्चा है डेफिनेटली, लेकिन ये खर्चा है बट जरूरी थोड़ी ना है कि रेंट जो लिया है वो रेंट पे जो हमने प्लेस किया वो पार्टनर से थर्ड पार्टी से भी लिया जा सकता था। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टनर से रिलेटेड है तो इसको अप्रोप्रिएशन में आना चाहिए था, नहीं गाइस, इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर हम इसको भी कहाँ लिखेंगे, इसको भी हम पीएनएल में करेंगे। तो देखिए हमने ये देखा बेसिकली इसका मेन जो पर्पज, मेन थीम क्या, मेन कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जिस प्रॉफिट अकाउंट प्रॉफिट को हमको यूज करना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, वो प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आ रहा है उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और सपोज दैट लॉस आ रहा है तो भी उसी लॉस को हम यूज करेंगे जिसमें हमारे पीएनएल की सभी आइटम्स का एडजस्टमेंट हो चुका है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे आगे के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे इस पे बेस्ट होंगे। वेल होप टू अंडरस्टैंड, ऑल द बेस्ट।